हेलो गाइस, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़। स्वागत करते हैं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वो भी कौन से चैप्टर के, आपका जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम रेसिस्टेंस के जनरली आपके क्वेश्चन आएंगे या पावर के आएंगे, हम उसको पढ़ेंगे। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपको देखो पैसे तो क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज भी हैं, बहुत सारे कुछ हैं, तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ से पढ़ेंगे हम। इसका क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, मतलब कि एक 12 वोल्ट का एक बैटरी है जो कनेक्टेड है अननोन रेसिस्टर से, तो इसमें क्या होगा, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर तो इन अ सर्किट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले आप देखेंगे आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है V गिवन है 12 वोल्ट, मतलब कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं यहाँ पर इसको, और करंट आपको गिवन है, करंट कितना गिवन है आपको, करंट आपको है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं फिर हम, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करते हैं हम, इसको जो मिली एम्पियर लिखा हुआ है इसको पहले हमें यूनिट वाइज बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, यूनिट वाइज। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें 1000 से डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड करेंगे, तो ये मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर में। तो ये हमें वी भी मिल गया, आई मिल गया, मुझे चाहिए क्या है, रेसिस्टेंस चाहिए मुझे, क्या चाहिए, रेसिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, ओम भैया ने क्या कहा था, ओम्स लॉ के थ्रू ओम भाई ने कहा था वी इक्वल्स टू आई आर, क्या कहा गया, वी इक्वल्स टू आई आर। अब चूंकि मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, आर चाहिए, तो इसको इधर ले आएंगे, मतलब वी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। सो बेसिकली ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर देखो हमें V गिवन है, I गिवन है और R निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 12 है और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 अपॉन में 1000। तो थर्ड वाला कहाँ जाएगा, फर्स्ट पे, तो 12 इंटू 1000 अपॉन में 2.5, यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, तो 25 4 100 और 20, तो घुमा फिरा कितना हो जाएगा, ये 4800। रेसिस्टेंस जो रेसिस्टर होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, तो 4800 ओम। चाहो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो किलो ओम में, लेकिन ये भी इतना भी आंसर आपका सफिशियंट है। सो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल क्या होता है, जो गिवन होता है हम वो देखते हैं और हमें लाना होता है हम वो देखते हैं। अब हमें फॉर्मूला देखना है कि जो गिवन है और जो लाना है उसमें कोई रिलेशन वाला क्या फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि ओम्स लॉ है तो हमने वो ही लगा दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आता है। चलिए हम बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है इसका कनेक्टेड सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम। आपसे कहा कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। तो सबसे पहले गिवन क्या बोल लिख लेते हैं, वी की वैल्यू 12 भी दी हुई है और रेसिस्टेंस छोटे छोटे रेसिस्टर जो सीरीज में कनेक्ट है उनकी वैल्यू देख लेते हैं, कितने 0.2 है, 0.4 है, 0.42 हो गया और क्या क्या दिया है भैया, 0.2 है, 3 है, फिर 4 है और फिर 0.5 है और 12 है, मतलब टोटल इतने रेसिस्टेंस आपको दिए हुए, ठीक है ना। और आपसे कहा ये सभी सीरीज में कनेक्टेड, और आपसे कहा कि कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम रेसिस्टेंस इससे कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे मुद्दा यही है, सीरीजी बात ये है कि देखो पहली बात तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो हम आपको बता देते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, कि ये है कि जब भी आपके रेसिस्टेंट अगर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो सबसे जो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो करंट का अमाउंट इक्वल रहता है, ऐसा नहीं है जो 0.2 से जितना फ्लो होगा उतना ही 0.3 से होगा, उतना ही 0.4 से होगा, उतना 0.5 से, उतना ही आपका 12 से होगा, और वो किससे कितना फ्लो होगा, ये टोटल से जितना फ्लो हो रहा है, मतलब बेसिकली पहले इनका हम सीरीज में जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा पहले वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल रेसिस्टेंस। तो कभी भी जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालता, उन सभी का सम हो जाता है, क्या हो जाता है, उन सभी का सम। तो हम सबको जोड़ देंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा ये 0.3, 0.5 हो गया, 0.9 हो गया, 1.4 हो गया, मतलब 13.4 ओम।
तो ये जो रेसिस्टेंस आया आपका ये है, अब इससे जितना करंट फ्लो होगा उतना ही 12 ओम से होगा, उतना 0.5 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, सबसे होगा। तो घुमा फिरा कहने की बात है कि सीरीज में पहले आप सीरीज के पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो और फिर आप यहाँ पर सॉल्व कर दो। तो वही ओम भैया क्या कहते हैं, वी इक्वल्स टू आई आर कहते हैं, हमें यहाँ पर आई की वैल्यू चाहिए तो वी अपॉन आर इक्वल्स टू आई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 12, इसका वैल्यू है 12 और इसके अपॉन में 13.4 आई। तो बस यहाँ पे सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है, डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप 2 से कर दें या जितने से भी डिवाइड करना है, तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फाइनली इसका आंसर होना चाहिए 0.67 एम्पियर। देखो सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, सॉल्व तो आपको आना चाहिए, डिवाइड डिवाइड करना सब, वो मैं यहाँ बता के टाइम खराब नहीं करूंगा। तो आपने एक चीज देख ली है घुमा फिरा के, ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोल देंगे कि भैया ये बताओ कि इसमें ऐसा और उसमें वैसा, तो क्या करेंगे आप, तो बिल्कुल ज्यादा कोई खतरनाक बात नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अगर सीरीज में कोई भी रेसिस्टेंस कनेक्ट है, इसका मतलब पहले उनका टोटल रेसिस्टेंस निकाल लो, वही आपका वही किसी एक पर्टिकुलर सिंपल रेसिस्टेंस से भी वही का वही निकलेगा। समझ गए, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसमें लिखा हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इज पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्टेज। मतलब ये है कि आपसे कहा गया कि 176 रेसिस्टेंस के कितने रेसिस्टेंस पैरेललली कनेक्ट किए जाए कि उनमें से कितना करंट फ्लो कर सके, वो 5 एम्पियर का करंट कर सके और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका 220 वोल्ट। समझ गया बात को, तो भैया आप तो सीधा सा पहले सबसे पहले जब ये इसको अभी आप भूल जाओ, इसको आप स्मॉल आर मान लो, इसको अभी मान लो, ये तो हमें पैरेलल में इस वैल्यू के बहुत सारे रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, हम पहले देख लें कि अगर हम ओम्स लॉ के थ्रू कि हमें टोटल रेसिस्टेंस एक्चुअल में टोटल वैल्यू चाहिए कितनी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ओम्स लॉ से वी इक्वल्स टू आई आर लगा के यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे कि एक्चुअल में हमें रेसिस्टेंस चाहिए कितना, इसको रिक्वायर्ड कितना होगा। तो 220 अपॉन में आई की वैल्यू 5 इक्वल्स टू आर, तो 5 से देंगे, 5 4 20 5 4, मतलब हमें टोटल 44 ओम रेसिस्टेंस चाहिए। कितना चाहिए हमें, 44 ओम। तो हम इसको कैसे पैरेलल कितने रेसिस्टेंस लगाएं हम कि हमें टोटल 44 रेसिस्टेंस हमें आंसर में मिले, मतलब हम कितने 176 रेसिस्टेंस के ओम, मतलब यहां पर रेसिस्टेंस लगाएं कि हमें कितने, मतलब कितने चाहिए कि 44 आंसर हमें मिल जाए। तो सीधी सी बात, हम मान लेंगे कि हमें टोटल एन लगाना है, कितने लगाने, मान लें कि हमने कर लिया कि लेट एन टोटल कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने लगा रहे हैं, हम एन लगा रहे हैं। तो अब आपको पता ही, जब भी पैरेलल सीरीज की बात होती तो इस तरीके से होती, 1/r ऐसे ही करके होता है ना, 1/r1 1/r2 डेड हमने अप टू एन तक करना है हमें, क्योंकि पता ही नहीं कितने आर, हमने एन मान लिया तो हमने एन लिख दिया। तो आर की वैल्यू कितनी आई अभी, यार हमने पता कि हमें टोटल 44 चाहिए और इनकी वैल्यू कितनी है, 176 ऐसे करके चलते जाएंगे एन तक। अब आपको पता ही है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो 176 ही आएगा और ये टोटल 1+1+1+1 कहां तक, एन तक होंगे, अप टू एन। तो घुमा फिरा के एन का सम कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो जाएगा 176 और ये इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 176 अपॉन में 44 इक्वल्स टू एन। डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से कर दो, 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 8 हो गया। तो मतलब 4, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब कि आपको 4 176 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ओम वैल्यू के रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे पैरेललली, तो आपको टोटल 44 रेजिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब जो जिसमें 5 एम्पियर का करंट और 220 वोल्ट का क्या फ्लो होगा यहाँ पर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो गाइज इसी के साथ आपका जो 10th क्वेश्चन था वो भी फिनिश हो गया, तो फुली आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।